गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत व्याकरण में कक्षा 6 में अम्लानी द्राक्षाफलानी, अम्लानी यानी खट्टे, द्राक्षाफल यानी अंगूर, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, यह है लघु कथा लेखन यानी कहानी है ये। ठीक है, अम्लानी द्राक्षाफलानी यानी अंगूर खट्टे हैं। एकस्मिन वने, ठीक है, एकस्मिन वने एकलोमस वस्ति सम। अब आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मंजूषा बनी हुई है हमें इन रिक्त स्थानों में इसमें से भरना है। तो एकस्मिन वने एकलोमस वस्ति सम, तो क्या आएगा इसमें, आएगा एकस्मिन वन परदेशे। क्या आएगा, वन परदेशे। देखो नीचे लिखा हुआ है एकस्मिन वन परदेशे एकलोमस वस्ति सम, यानी एक वन परदेश में एक है लोमस यानी गिद्दड़ या फिर लोमड़ी, बस्ती यानी रहता था। एकदा, एकदा यानी एक बार, एकदा यानी एक बार या फिर एक दिन। असो यानी वह, अभावे किसके अभाव में, तो भोजनस्य यानी भोजन के अभाव में। बुभुक्षिता आसीत यानी भूखा था, भोजन के अभाव में क्या था, भूखा था। भोजनस्य अन्वेषणम, भोजन की अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण यानी खोज में, भोजन की खोज में स वने वह वन में, स वने वह वन में भ्रमणेव उधाने आगे, यानी भ्रमण करता हुआ उधान में आया। तो वने यहाँ पे क्या आएगा, इतस्तत है यानी इधर उधर भ्रमण करते हुए वह उद्यान यानी बगीचे में आया। तत्र एकाम द्राक्षालताम, वहां, तत्र यानी वहां, एकाम यानी एक, द्राक्षालताम यानी अंगूर की लताम यानी बेल को, अपश्यत यानी देखा। तस्याम लतायाम, तस्याम लतायाम उस बेल में, उस बेल में सुपकवानी यानी पके हुए द्राक्षा फलानी यानी अंगूर के फल आसन यानी थे। तो तस्याम लतायाम अनेकानी, क्या आ जाएगा इसमें से, क्या आ जाएगा, अनेकानी यानी अनेक, अनेक प्रकार के, अनेक अच्छी तरह पके हुए अंगूर के फल थे। स अति प्रश्नावत, वह बहुत प्रश्न हुआ। स उत्पुल, स उत्पलुत्य यानी वह उछलता हुआ, उसने उछल उछल कर, ठीक है, उसने उछल उछल कर प्रायतत प्रांच अति, ठीक है, अनेक बार उछल उछल कर, अनेक वारम यहाँ क्या आ जाएगा, अनेक वारम प्रायतत यानी प्रयत्न किया। अति प्राप्तुम असमर्था अभवत, लेकिन अति दूरस्थात यानी दूर होने के कारण, अत्यंत दूरी पर स्थित होने के कारण वह प्राप्त करने में असमर्थ हुआ। निराशायम लोमसाम, निराश होकर लोमस प्रतिनिवर्ता, वह गिद्दड़ लौट आया और अवदत और उसने कहा नाहम खदानी द्राक्षा फलानी, और बोला कि मैं अंगूर, नाहम यानी मैं अंगूर नहीं खाता। यत इमानी अम्लानी संति, क्योंकि अंगूर है जो खट्टे हैं। अब देखो नीचे, ये ऊपर रिक्त स्थान में दी हुई है। अब नीचे देखो, एकस्मिन वन प्रदेशे एकलोमस वस्ति सम, एक वन प्रदेश में, एकस्म यानी एक, वन प्रदेश में एक लोमस यानी गिद्दड़ या फिर लोमड़ी रहता था। एकदा असो, एक दिन वह भोजनस्य अभावे भोजन के अभाव में बुभुक्षिता यानी भूखा था। भोजनस्य अन्वेषणे भोजन के अन्वेषणे यानी खोज में, स वने इतस्ततः वह वन में इधर उधर भ्रमण, भ्रमणे यानी भ्रमण करते हुए उधाने आगचत उधान में आया। तत्र एकां द्राक्षालताम अपश्यत, वहाँ एक द्राक्षालताम यानी अंगूर की बेल को लताम अपश्यत यानी देखा। तस्याम लतायाम उस लता के ऊपर अनेकानी अनेक सुपकवानी यानी पके हुए द्राक्षा यानी अंगूर के फल थे। स अति प्रश्न अभवत, वह बहुत प्रसन्न हुआ। स उत्पलुत्य, वह उत्पलुत्य यानी उछल उछल कर,
उछल उछल कर अनेक बार, मैंने अनेक बार उसने प्रयास यानी प्रयत्न किया, परंतु अति दुरस्था यानी अत्यंत दूर होने के कारण प्राप्तुम असमर्था अवत, प्राप्त करने में वह असमर्थ हुआ। देखो ये अंगूर की बेल और ये है गिद्धड़। निराशायाम लोमसा, निराश हुआ लोमसा यानी वह गिद्धड़ प्रतिनिवर्ता लौट आया और अवदत और बोला, नाहम खदानी द्राक्षा फलानी, नाहम यानी मैं खदानी द्राक्षा फलानी यानी अंगूर की बेल को नहीं खाता, यत इमानी अम्लानी संति, यत क्योंकि ये अम्लानी यानी खट्टे हैं, क्या है अंगूर है जो खट्टे हैं, निष्फल ब्याज माश्रते, इसका अर्थ क्या है, शिक्षा क्या है इसकी, निष्फल ब्याज माश्रते, में अंगूर नहीं खाता क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, कि बिना फल के बिना प्रयास के किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है, यानी परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है। ये है अम्लानी द्राक्षा फलानी, अंगूर खट्टे हैं। अब नीचे देखो इसका इंद्रियवाद भी दिया हुआ है। एक वन प्रदेश में एक गिद्धड़ रहता था। एक दिन वह भोजन के अभाव में भूखा था। भोजन की खोज में वह वन में इधर उधर घूमता हुआ बाग में आ गया। वहां एक अंगूर की बेल को देखा। उस बेल में अनेक अच्छी तरह पके हुए अंगूर थे। वह अति प्रसन्न हुआ। उसने उछल उछल कर अनेक बार प्रयत्न किया, परंतु अत्यंत दूरी पर स्थित होने के कारण प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। निराश हुआ वह गिद्धड़ लौट आया और बोला, मैं अंगूर नहीं खाता क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। अब देखो आपको नोटबुक में क्या करना है, ये जो कहानी है आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। एक में ये जो मजूषा पहले आप अम्लानी द्राक्षा फलानी ये लिखना है, फिर ये जो नीचे ये वाला मत करना, ठीक है। आप ये जो मजूषा बनाई हुई है ये कॉपी के अंदर लिखोगे मजूषा को, इसको, ठीक है। फिर बाद में ये उत्तर जो लिखा हुआ है एकस्मिन वने, यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको करोगे, और साथ में करते करते आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ोगे ताकि आपको इसकी हिंदी समझ में आएगी। ओके, आपको ये नोटबुक में करना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।